ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी श्रोतागण और मेहमानों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद देने से पहले मैं अपनी ओर से एक एकेडमिक्स की या एकेडमिशियन की नज़र में इस जो प्रोग्राम है उसको दो बातें मैं रखना चाहूँगा कि वास्तव में ये कॉन्सेप्ट है क्या। इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग लिमिटेड स्कोप के अंदर लेते हैं और वो लिमिटेड स्कोप ये है कि इसको कोई हिंदी संस्कृत या इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से उस साहित्य से संबंधित इसको जोड़ लिया जाता है, जबकि ये उससे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वास्तव में जब हम किसी लिटरेरी फेस्ट को जब कोई थीम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मिलिट्री लिटरेरी फेस्ट, तब वो एक सीमित उसका एक स्कोप होता है और वो जो सीमित स्कोप है उसके अंदर हम मिलिट्री की जो अचीवमेंट्स, मिलिट्री के जो थॉट है, मिलिट्री के जो आइडियाज हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। लेकिन जब हम किसी लिटरेरी फेस्ट को किसी रीजन का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने हरियाणा लिटरेरी फेस्ट कहा, तो हरियाणा लिटरेरी फेस्ट के अंदर ऑल इंक्लूसिव है, ये किसी एक साहित्य के सब्जेक्ट से या किसी एक थीम से रिलेटेड ये नहीं है। हम जैसे जिस प्रकार से अपने रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हम हर सब्जेक्ट में लिटरेचर रिव्यू करते हैं, चाहे वो फिजिक्स है, मैथ्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो लिटरेचर रिव्यू है हम उस लिटरेचर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डाइवर्स थीम्स इसके अंदर रखे हुए हैं जो आप तीन स्टेजेस के ऊपर नोट भी करेंगे। तो फर्स्ट तो मैं ये आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हरियाणा लिटरेरी फेस्ट है ये हरियाणा एज ए कल्चरल रीजन उसके अंदर है और उसके अंदर कोई फील्ड एक्सक्लूसिव इसके अंदर एक्सक्लूड नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो साइंसेज हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का विजुअल फॉर्म है, कोई भी मीडियम है, सभी इसके अंदर इंक्लूड हैं। एक तो आप अपने मन में इस चीज़ को रखते हुए इस प्रोग्राम के अंदर आप पार्टिसिपेट करें और आगे भी जिस 3 दिन रहेगा तो उसके अंदर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। एक बात तो मुझे रखनी है। दूसरी बात, क्यों किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। 1980 के दशक के अंदर ये मान लिया गया था कि इतिहास समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी का जो एंड है वो हो गया है। 90 के अंदर हम यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बाद हमने ये पाया कि जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया के अंदर, उसके समाप्त होने पर दुनिया के अंदर इतिहास खत्म हो गया। लेकिन 1991 के अंदर ही हम ये पाएंगे कि किस प्रकार से सैमुअल पॉल हंटिंगटन ने एक बुक लिखी और एक कॉन्सेप्ट दिया या एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, क्लैश ऑफ कल्चर्स। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट फॉल्ट लाइन्स हैं, कल्चरल फॉल्ट लाइन्स हैं, उन कल्चरल फॉल्ट लाइन्स को आप किसी आइडियोलॉजी से नहीं बांध सकते, उन कल्चरल फॉल्ट लाइन्स को आप किसी नेशन के साथ या किसी कंट्री के साथ नहीं बांध सकते। और यही कारण रहा कि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो डिफरेंट कल्चरल फॉल्ट लाइन्स के अंदर बट गया, चाहे उज्बेक्स थे, चाहे वो कजाक्स थे, चाहे वो यूक्रेनियंस थे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो कल्चरल फॉल्ट लाइन्स हैं वो वास्तव में सच्चाई है दुनिया की, और उन्हीं कल्चरल फॉल्ट लाइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा हरियाणा एक रीजन है, ये भी एक कल्चरल फॉल्ट लाइन है इसकी, जिसको टुकड़ों में बांट दिया गया। सल्तनत पीरियड था, उसके अंदर भी जो मेन सेंट्रल पावर थी उसके डिसइंटीग्रेशन के लिए दिल्ली से 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर का एरिया डायमीटर देख लीजिए, उसके अंदर हम ये पाएंगे कि वही रेस्पॉन्सिबल थे जब वो वहां डिसकंटेंट हुआ तो सल्तनत का डिक्लाइन हो। ठीक ऐसे मुगल एम्पायर का भी, जब वहां डिसकंटेंट हुआ तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। ठीक इसी तरह से 1857 के अंदर जब रिवोल्ट हुआ तो दिल्ली से 300 किलोमीटर के एरिया का जो डायमीटर है उसका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था। इस बात को ब्रिटिश राज ने और ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अच्छी तरह से नोट किया और इस रीजन को जो 300 किलोमीटर का डायमीटर है दिल्ली का, उसको 3 हिस्सों में उसको बांटने की कोशिश की। और पहले जो जब हमारा हम NWP नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस का हिस्सा थे, उसको तोड़ करके हमें पंजाब के साथ या पंजाब प्रोविंस क्रिएट करके उसके साथ जोड़ दिया गया, यानी कि जमुना को हमारे बीच के अंदर एक
लाइन कल्चरल लाइन के रूप में या एक तरह से हमारे बैरियर के रूप में क्रिएट कर दिया, अदरवाइज संस्कृति एक जैसी है। इसी तरह से हम ये चाहते हैं, जो हमारा भी यहाँ पर पर्पज है वो यही है कि किस तरह से हम जो हरियाणा एज ए कल्चरल रीजन, जो हमारे ना राजस्थान के बाउंड्री से बंधा हुआ है, ना यूपी के बाउंड्री से बंधा हुआ, ना हरियाणा की बाउंड्री से बंधा हुआ, जो दिल्ली से 300 किलोमीटर का एरिया यदि हम डायमीटर बनाएं तो उसके अंदर जो रीजन है उसको मैं हरियाणा एज ए कल्चरल रीजन मानता हूं। और उस कल्चरल रीजन को हमें असर्ट करने की जरूरत है, उस कल्चरल रीजन की अचीवमेंट्स को असर्ट करने की जरूरत है। उसी दिशा के अंदर ये हमारा पहला कदम है। इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं, 1883 का सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या वो 72% हो जो 1885 के अंदर कांग्रेस की जिन्होंने स्थापना की, उनमें से आप वही 72% आप लोग हो, या ये लगा लीजिए 1980 में भाजपा की 2 सीटें थी जो मैक्सिमम कहाँ तक चली गई। तो आज का ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हम उसी दिशा के अंदर, भले ही इसके अंदर कुछ हो सकता है कमियां रह जाएं, लेकिन हमारा जो अगला एडिशन होगा उसमें हम इन कमियों से भी सीखेंगे और ये इसकी जो तैयारियां की हैं उसमें भी हम सीखेंगे और वो वास्तव में भव्य होगा, उसके अंदर कोई कमी निकालने वाला नहीं होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे चीफ गेस्ट जनरल हुड्डा और हाथी के पाँव में सबका पाँव, हमारे वीसी साहब का जो ट्रस्ट मेरे ऊपर था उसको मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंकफुल। मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पर, मैं अभी ये शुरू होने से पहले तक बहुत स्ट्रेस में था, टेंस था, लेकिन अभी वीसी साहब से मैं रेजिडेंस पर मिला तो इन्होंने कहा कि भाई मैं टेंस करने के लिए नहीं, मैं आपको रिलैक्स करने के लिए हूँ यहाँ पर, आप कहोगे उसी तरह से करें। तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। मैं कर्नल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने ये जो एक इमेजिनेशन मेरे को दी जिसके अंदर मैंने भी अभी सपोर्ट किया है, लेकिन मैक्सिमम इनका एक विजन था ये करने के लिए। उसके अलावा मेरे जो कोलीग्स हैं सभी, और कोलीग्स के अंदर बहुत सारे मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे जो एचओडीज हैं जो मेरे वेल विशर्स हैं, और स्टूडेंट्स और एनसीसी कैडेट्स, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे डीएसडब्ल्यू ऑफिस का, हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर का, हमारे डीवाईडब्ल्यू का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो मीडिया का जो हमारा पीआरओ ऑफिस है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका इनपुट भी मुझे मिलते रहते हैं। और इसी प्रकार से हमारे यूनिवर्सिटी का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करवाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रेस के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारे जो मिलिट्री से रिलेटेड जो लोग यहाँ पर हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा नहीं है, अभी जनरल साहब कह रहे थे कि मिलिट्री का ऐसा लगता है जैसे संबंध नहीं हो, संबंध है जी, क्योंकि हम ये पाएंगे कि जो ब्रिटिश काल के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्टोरियंस थे उनके अंदर बहुत सारे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जे डी कनिंघम थे, जिनके परिणाम स्वरूप हमारे इतिहास को बहुत सारा इनपुट मिले हैं और उन्हीं के बेस पर अब भी बहुत सारा कुछ लिखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री वाले लिटरेचर से नहीं होते, मिलिट्री वालों की क्रिएटिविटी भी शुरू से ही हमारे जो सामाजिक क्रिएटिविटी उसको सपोर्ट करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत